केंद्र का नोटबंदी और बिहार का शराबबंदी, आप इसको किस नज़र से देखते हैं? शराबबंदी हमारे लिए ज़रूरी है, नोटबंदी अगर भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए है तो उसे हम सैल्यूट करते हैं, लेकिन एक चुनावी जुमला हो, क्योंकि भ्रष्टाचार ख़त्म किससे होगा? हमने कहीं अदानी अंबानी जेटली के बेटे को नहीं देखा, जहाँ भी हम देखते किसान मजदूर बेरोजगार लोग लाइन में खड़े हुए, भ्रष्टाचार के खिलाफ तो पूरा देश है, भ्रष्टाचार खत्म होना ही चाहिए, लेकिन चुनावी जुमला बनाकर अगर गरीबों को परेशान करना है तो उसका कोई मतलब नहीं। और सबसे ज़्यादा काला धन किससे मिला? बीजेपी के नेताओं से मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं चुनावी जुमला है। और मैं तो कहता हूँ भ्रष्टाचार खत्म होता है इन लोगों के साथ से, इन जिसके पास काला धन है उनके पास से काला धन निकलेगा तो हम उनको सैल्यूट करेंगे। बिहार में शराबबंदी से गरीबों में उनकी गरीबी और बढ़ी है, और अमीरों आज भी शराब का मजा ले रहे हैं। बात नहीं, शराबबंदी से गरीब तो इतनी मजबूरी थोड़ी बड़ी, अच्छी बात है, शराब में पैसा नहीं डालने पड़ेगा, जिसके जो मेहनत मजदूरी करके आते थे। तो शराबबंदी कैसा है, उन्होंने भी कहा था कि आप शेर के सामने जाने से मत लो, उसी आपको मार देगा, लेकिन शराब पूरे परिवार को मारती है। शराबबंदी मैं तो कहता पूरे देश के अंदर होना चाहिए, हमारे गुजरात के अंदर शराबबंदी है फिर भी शराब बिकती है, मतलब शराबबंदी होनी चाहिए और शराबबंदी से देश की संस्कृति को आगे लाया जाए। गुजरात की बात नहीं है, हम लोग बिहार की बात करें कि बिहार में शराबबंदी लागू की गई, उसके बाद भी लोगों को शराब मिल जा रही है, ये बहुत बड़ी बात है। देखो शराबबंदी के बाद भी ऐसी कोई परिस्थिति खड़ी होती तो कानून व्यवस्था का भाग है और उसके अंदर वो पकड़ भी रहे होंगे, और वो मेरे लिए ज़रूरी नहीं कि उसके लिए मैं क्या बोलूँ। ये शराबबंदी जो लागू किया फैसला ही बहुत बड़ी बात है, ये फैसला भी लागू करना नरेंद्र मोदी को आप बताइए, फैसला लागू कर सकते हैं, फैसला लागू हुआ धीरे धीरे उसका काम होगा और वक्त आने पर होगा। वो भी बोल रहे हैं कि नोटबंदी के अंदर मुझे वक्त चाहिए। राज्यों में भी शराबबंदी की वकालत करेंगे आप? बिल्कुल होने चाहिए, पूरे देश से बंद होनी चाहिए।